अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का आगाज बेहतरीन होगा, आय बढ़ेगी एवं कार्य में सुधार रहेगा, सहयोग की प्राप्ति भी होगी और योजनाएं सफल होगी। किसी तरह की अगर योजनाएं बना रहे हैं तो यहाँ पे आपकी योजनाएं काफी सफल होने वाली है। परिवार बहुत ज्यादा अनुकूल बना रहेगा, परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्रेम मिलेगा। मंगलवार की शाम से थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ सकती है और बुधवार एवं गुरुवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस दिन विशेष ध्यान करिए कि कोई भी बड़ा कार्य ऐसा जिसमें आपको समस्याएं उत्पन्न हो नहीं करना है। व्यय की अधिकता बहुत ज्यादा रहेगी तो कम से कम खर्चा करिए एवं सहयोग की प्राप्ति भी बहुत ज्यादा कम प्राप्त होगा। आपको बहुत ज्यादा सहयोग की भी प्राप्ति कम हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये समय थोड़ा सा भारी रहेगा। शुक्रवार एवं शनिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। इस दिन बड़े से बड़ा कार्य अपना करें, कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। अतिथियों का आगमन हो सकता है इस समय में और प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों से जोड़ बनेगा। यात्रा की योग जो है टलने की भी बहुत ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है इसमें, तो मत करिएगा यात्राएं। प्रोफेशन की बात करें तो निवेश से बचें एवं नौकरी में बदलाव का मन हो सकता है, नए व्यापार करने की इच्छा होगी। शिक्षा की बात करें तो आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है, अध्ययन में मन नहीं रहेगा, संसाधन की कमी रहेगी, छोटी मोटी इश्यूज आएंगे लेकिन आप अपने फोकस करिएगा स्टडीज की तरफ। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट की तकलीफ बड़ी परेशान करने वाली इस सप्ताह, आँखों की कमजोरी और दांत एवं सिरदर्द की समस्या हो सकती है, तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा कि सेहत जो है थोड़ा सा इस बार नासाज है। और प्रेम संबंध की बात करें तो साथी से मुलाकात हो सकती है, बहुत ही अच्छा समय बीतेगा एवं वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्याएं जो चल रही थी, लड़ाई झगड़ा, वो समाप्त होती दिखाई दे रहे हैं। क्या करें जिसमें इस सप्ताह का फल जो है आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिले। कार्तिकेय को मंगलवार को दीपक लगाएं, ये लगाएंगे तो आपका जो समय बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा, बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय माता दी।